हर हर महादेव। ऐसा है कि कल परसों किसी ने प्रश्न किया था, उस संदर्भ में हमने बतलाया था कि हम बतलाएंगे कि जन्म संबंधी कितनी शांतियां हैं। यद्यपि शांतियों की बहुत चर्चा है, जैसे मूल संज्ञक नक्षत्रों में जिन बालक बालिकाओं का जन्म होता है तो उनके अभिभावक उन नक्षत्रों की शांतियां कराते हैं, शांति कराते हैं। इसी तरीके से कुछ और हैं, गंड मूल हैं, इसी तरीके से गंड नक्षत्र भी हैं, उनको भगंड कहते हैं, गंड लग्न भी हैं, तो गंड माने जोड़, तो उनमें भी जन्म नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर उनकी शांति का विधान है। एक बात, हमारे यहाँ शांति कई तरीके की, जिनको अभी मैं बतलाऊंगा, तो यथासंभव उनकी शांतियाँ अवश्य करानी चाहिए। शास्त्रों में ये सब, पहले तो ऐसा समय दुष्ट समय लिखा है कि इस समय में दूषित है, इस समय में जन्म इत्यादि न हो, अगर होता है जन्म को कोई रोक नहीं सकता, तो उनकी इस प्रकार शांति करनी चाहिए, शांति के विधान भी शास्त्रों में है। एक बात इसी संदर्भ में भी बतला दें कि ऐसा लिखा है कि अनिमित्तायाः कृता शांति निमित्तायोपजायते। यदि किसी के शांति का हेतु नहीं है, माने उसका जन्म अभी मूल नक्षत्र में हुआ नहीं है और देख नहीं पाया, भ्रम से यूं समझ लिया कि मूल में जन्म है और उसकी शांति कर दी, तो मूल में जन्म तो था नहीं लेकिन फिर भी शांति कर दी, तो अब शांति का हेतु बन गया। अनिमित्ताया कृता शांति, निमित्त तो था नहीं लेकिन फिर भी शांति कर दी, तो अब निमित्ताय हो जाए थे, तो अभी जो आपने नई नियम मूल नहीं थे और फिर शांति कर दी, इसका मतलब अब मूल हो गया, अब उसकी द्वारा शांति करिए। तो शांति तभी करिए जब हो, नहीं हो तो फिर उसकी कर दिया आपने तो एक बार और करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कर बिना शांति का हेतु हुए आपने शांति कर दी, तो माना कि वो शांति अब अशांति आ गई और अब शांति करिए। ये शास्त्रों में चर्चा है, तो आप देखें इसमें कितने शांतियों का शास्त्रों में चर्चा है, तो फिर इनके अनुसार आप लोग शांति करनी चाहिए। जैसे मूल संज्ञक नक्षत्र, मूल नक्षत्र जनन शांति, आश्लेषा नक्षत्र जनन शांति, ज्येष्ठा नक्षत्र जनन शांति, मघा नक्षत्र जनन शांति, रेवती नक्षत्र जनन शांति और अश्विनी नक्षत्र जनन शांति, ये छह नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, इनमें जन्म होने पर भी शांति होती है, ये तो प्रायः लोक में सर्व लोग जानते हैं। अब जो नहीं जानते हैं और होनी चाहिए, अत्यावश्यक है, इसके लिए घर में हर एक के यहाँ, चाहे किसी भी जाति में हो, उसके यहाँ हर सदगृहस्थ के यहाँ बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, परिवार में जाना आना होता है, तो उनसे संबंधित शांतियाँ हैं तो ये अवश्य करानी चाहिए। इसका प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है, और शांति करने का मतलब कुछ ऐसा समय है जो कि इसके जीवन में अशांति रहेगी और आप उसका शांति विधान कर लेंगे तो फिर जीवन में शांति होगी। इसलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं कि चित्रा नक्षत्र पूर्वार्ध जनन शांति, चित्रा नक्षत्र के अर्ध यदि पूर्वार्ध में पहली 30 घटी में जन्म होता है तब भी शांति होनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र मध्य द्विपादे जनन शांति, लोग पुष्य नक्षत्र को बहुत अच्छा मानते हैं, हाँ है भी, लेकिन जन्म के समय पे यदि बीच के दो चरण, दूसरा और तीसरा, इन चरण में जन्म होता है तो उसकी भी शांति होती है। पूर्वाषाढ़ा तृतीय पादे जनन शांति, पूर्वाषाढ़ा के तृतीय पाद में जन्म होता है तब भी शांति का विधान है। उत्तरा फाल्गुनी प्रथम पादे जनन शांति, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर भी शांति का विधान है। विशाखा चतुर्थ पादे जनन शांति, विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने पर भी शांति का विधान शास्त्रों ने लिखा है। और ज्यादा दुष्ट समय होता है तो गोमुख प्रसव शांति, इनमें भी बतलाया गया है कि जितने जितने गंड मान होता है जोड़, है ना, तो नक्षत्रों के, तिथियों के, लग्नों के तीन तीन भाग करिए, तो फिर उनके जो है उन पर जॉइंट बतलाया गया, जोड़ बतलाया गया है, तो उन पर शांति होती है। जैसे आप देखेंगे 27 नक्षत्र हैं, तो
इनको अगर हम विभाग करेंगे तो 9 से होगा, 9 × 3 = 27। तो नौमा और दसवां नक्षत्र, नौमे में जन्म हो या दसवें में हो, और जितना जितना नौमे का अंतिम चरण और दसवें का शुरुआत का, इनमें जन्म होगा एक एक घटीस की, एक घटीस की, तो वो गंड हो जाएगा, माने बिल्कुल जॉइंट है। इसी तरीके से 18वें और 19वें की और 27वें और पहले नक्षत्र के, तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो इस नक्षत्र के 4 चरण है, आगे वाले नक्षत्र के भी 4 चरण है, तो अब जो जॉइंट होता है तो अंतिम चरण के, पहले वाले नक्षत्र के अंतिम चरण का एक घटी और जो प्रारंभ होने वाला मूल संज्ञक नक्षत्र है उसके प्रारंभ की एक घटी गंड कहलाती है, एक एक चरण भी गंड कहलाता है, तो उनमें विशेष दोष होता है। ऐसा होने पर गोमुख प्रसव शांति भी होती है, माने उस बालक को गाय के सामने रखा जाता है, ऐसी भावना की जाती है कि गाय के मुख से इसका प्रसव हो रहा है और ये शांति होती है, इसमें हवन भी होता है, गो का गाय का पूजन भी होता है और बालक को भी वहाँ रख करके प्रोक्षण आदि कृत्य किए जाते हैं, तो गोमुख प्रसव शांति होती है। तो इसी तरीके से ये नक्षत्र गंड हो गया, ऐसे ही लग्न गंड होती हैं, लग्न होती हैं 12, तो वो 3 3 4 3 4 4 4 नक्षत्र, माने कर्क और सिंह, कर्क लग्न का अंतिम और सिंह लग्न का शुरुआत का, और वृश्चिक और धनु तथा मीन और मेष, ये इन राशियों पे, इन लग्न में भी गंड होता है, तिथि गंड, और इसको कहते हैं लग्न गंड, एक भगंड हो गया तिथि गंड, तिथि गंड, तिथि 15 है तो 5 5 पे, माने पंचमी और षष्ठी के समय पर, पंचमी का अंतिम समय और षष्ठी का शुरुआत का, इनमें जन्म होने पर भी गंड होता है। ऐसे ही दशमी और एकादशी का जोड़, इस समय पर जन्म होने पर भी तिथि गंड होता है, और पूर्णिमा या अमावस्या के अंतिम और इधर प्रतिपदा, इस समय भी ज्वाइंट होता है, तो ये गंड नक्षत्र कहलाते हैं, ये गंड मूल कहलाते हैं, और तथा गंड लग्न होती हैं और गंड तिथियां भी होती हैं, इनमें भी शांति करना चाहिए। अब देखिए तिथिगंड, लग्नगंड और भगंड की बात, उपराग ग्रहण जनन शांति, अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में जन्म होता है तो उस समय भी शांति करने का विधान है। शूलादि योग जनन शांति, कुछ योग भी बतलाए गए, जैसे हमारे यहाँ तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण और योग, ये 5 को हम पंचांग कहते हैं, तो शूलादि योग जनन शांति, इसमें भी शांति है। सूर्य संक्रांति जनन शांति, जिस दिन सूर्य की संक्रांति और पुण्यकाल हो उस समय पर जन्म होता है तब भी शांति का विधान है। व्यतिपात जनन शांति, ये भी व्यतिपात एक योग है, इसमें भी जन्म होने पर शांति का विधान है। वैधृति जनन शांति, वैधृति योग बड़ा दुष्ट है, इसमें भी जन्म होने पर शांति है। शनि वाली कुहू दर्श जनन शांति, अमावस्या, माने अमावस्या 3 प्रकार की होती है, कोई कुहू होती है, कोई शनि वाली होती है, कोई दर्श होती है, तो यूं समझिए तीनों ही अमावस्याओं में, किसी भी प्रकार की अमावस्या जो अमावस्या में जिन बालक बालिकाओं का जन्म होता है तब भी शांति का विधान है, अवश्य कराना चाहिए जिनका जन्म अमावस्या में हुआ है, और जिनका जितनी हम इसमें बतला रहे हैं उनमें से कुछ शांतियां किसी की नहीं हुई हैं और उसमें उनका जन्म है तो अभी भी उनकी शांति हो सकती है, शांति का समय चलता रहता है, कभी भी हो सकती है, वैसे तो जन्म होने के सद्या बाद ही करा लेना चाहिए, नहीं हुई है तो बाद में भी हो सकती है। लिखा हुआ है कि जिनका मूल जन्म शांति इत्यादि शांति नहीं हुई तो विवाह में भी हो सकती है उनकी, है ना, 27वें दिन तो होती है वो नक्षत्र दोबारा आ जाए, नहीं तो फिर और भी कई समय दिए हैं, 5 वर्ष में 8 वर्ष में 100वें दिन जब भी आ जाए, या वो समय नहीं भी हो, कुछ समय ऐसे हैं तो अब वो समय तो नहीं आएगा, अब कोई ऐसा नहीं है कि ग्रहण में जन्मे हुए की शांति ग्रहण में ही की जाए, जब ग्रहण पड़े तभी, तो ऐसा नहीं है, तो उनके शांति के शांतिक पौष्टिक नक्षत्र हैं, शांति का मतलब मुहूर्त भी है शास्त्र में, कि जब कोई शांति करनी हो तो या तो उक्त वो समय आए तब करें, नहीं तो शांतिक कोई समय मुहूर्त निकाल करके उसमें उनकी शांति हो सकती है। अब कहते हैं दिनक्षय माने तिथि क्षय, जो तिथि क्षय हो गई है उसमें जन्म हो जाए तो उसकी भी शांति, देखिए हमारे यहाँ तिथि कोई घट जाती है ना, कोई बढ़ भी जाती है, तो घटने वाली तिथि में जन्म होने पर शांति। भद्रा जनन शांति, भद्राओं में जन्म होने पर भी शांति है। यम घंट जनन शांति, ये योग है,
एक कुछ तिथि बार नक्षत्रों के मिलने पर योग बनता है। तो यम घंट जनन शांति और दग्ध योग जनन शांति, मृत योग जनन शांति, दारुण योग जनन शांति, दुष्ट योग जनन शांति, विष घटी जनन शांति, ऐसा बताया गया। ऐसा ऐसा समय में कुछ घटियां विष घटी होती हैं, उनमें भी जनन शांति होती है। अब बालक को देख करके बात कर रहा है। देखिए कोई बालक कैसा जन्मा है, कैसा है, उसको देख करके भी शांति का हेतु होता है। जैसे सदंत जनन शांति, कोई बालक है और उसको दांत आया है जन्म से, हाँ ऐसा होता है। हमने पूछा तो कई माताएं बूढ़ी पुरानी कहती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी है कि कई बालकों के दांत आते जन्म से। और तो और तुलसीदास जी की जीवनी में आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी के भी दांत आए हुए थे। तो लिखा हुआ है सदंत जनन शांति, दांत यदि सहित जन्म होता तो उसकी शांति है। और भी देखें कि ऊर्ध्व पंक्ति प्रथम दंत जनन शांति, अगर कोई बालक है और बालक के प्राय नीचे के दांत पहले निकलना चाहिए, दो नीचे के दांत, दोए दोए दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को वरने पारे, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचंद्र जी के बारे में। तो दो दांत नीचे के निकलना चाहिए, अगर किसी के ऊपर के पहले निकलते तब भी शांति, ऊर्ध्व पंक्ति प्रथम दंत जनन शांति। और दिव्यादि मासे दंत जनन, द्व्यादि मासे दंत जनन शांति, हाँ लिखा हुआ है कि लगभग 5-6 महीने के बाद दांत निकलना चाहिए, किसी के दूसरे में, तीसरे में, चौथे महीने में ही दांत निकले आए जल्दी किसी बालक के, तब भी शांति का हेतु है। द्व्यादि मास मासे दंत जनन शांति, यमल जनन शांति। देखिए सामान्य जीव जो अप्राकृतिक घटना है, मतलब सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है और किसी के यहाँ ऐसा हो जाए तो उसकी शांति कराना चाहिए। सामान्य रूप से माता को एक ही बालक होता है, लेकिन कभी कभी दो हो जाते हैं, है ना, यमल दो जुड़वा, तो जुड़वा जब हो तब भी शांति का विधान है, उसका नाम है यमल जनन शांति, यमल जनन शांति। और विकार विशिष्ट प्रसवे शांति, विकार विशिष्ट प्रसवे शांति, माने कोई मनुष्य है, कभी देखा ना गाय गाय के बकरे जैसा बालक हो गया, कभी अखबार में आप देखते होंगे किसी के बालक हुआ है उसके सूंड आ गई कहते गणेश जी है, किसी के जो गाय जैसा मुंह आ गया, माने अप्राकृतिक, ये विशिष्ट कोई बालक होता है या ऐसा कोई होता है वो, या प्राय ऐसे अप्राकृतिक जीते नहीं है, कुछ देर तक रहते हैं फिर मृत हो जाते हैं, या कुछ जीवे भी तो उसकी शांति अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो हो या न हो, मृत हो जाए या रहे, उसकी शांति करने का विधान है। यूं तो यूं कह देते कि भाई नैमित्त का निमित्ता पाए नैमित्त कश्याप्य पाया, या वो निमित्त ही नहीं रहा, अगर कोई वो ऐसा जन्मा और मर गया तो फिर कोई शांति की बात नहीं है, ये भी विकल्प भी है इसमें। कार्तिक दंष्ट्रा जनन शांति, अगर मानुषी कन्या के, माने पहले मनुष्य के, अगर कार्तिक में कोई बालक जन्मता है तो भी शांति का विधान है। कार्तिक में जन्म नहीं होना चाहिए बालक बालिकाओं का, अगर किसी का जन्म कार्तिक में है तो उसकी भी शांति होगी। अब देखिए मरण से संबंधित देख लिए, जन्म से हो गया मरण से संबंधित भी शांति है कि भाई समय पे, अच्छे समय पे मरे तो ठीक है, नहीं गलत समय पे मरने पर भी अशांति हो जाती है। पंचक मरणे शांति, पांच नक्षत्र जो होते हैं पंचक धनिष्ठा आदि तो रेवती पर्यंत, तो उनमें जन्म होने पर भी, उनमें मृत्यु होने पर भी वो पंचक जन्म शांति करना चाहिए। द्विपुष्करे मरण शांति, एक द्विपुष्कर योग होता है एक त्रिपुष्कर योग होता है, जो द्विपुष्कर योग में मरने पर, त्रिपुष्कर योग में मरने पर भी शांति का विधान है।